था कि जा तो रहे हैं, ऐसा ना हो कि पैसे भी बर्बाद हो ना एक ट्रीटमेंट मिले। सही बात, क्योंकि जब तक पूरी तरह से लीव तभी होता है जब अपने को पूरा ट्रीटमेंट मिल सके। पहले ये था कि कान में आवाज़ थोड़ी कम थी, अब ये है कि थोड़ा दूर से ही बोल रहे हैं तो अभी सुन पाए हैं। मैसेज ये दूंगा कि विश्वास करके आओ, विश्वास ही कर सकता हूँ। हम इतना दूर से यहाँ चल कर आए हैं, कुछ सोच समझ के चल के आए हैं। हमें अच्छा जो आज मैंने देखा उससे मुझे फर्क महसूस हुआ, विश्वास हुआ। और मैं चाहूँगी भाई दो जने को और बताऊँ आगे, ताकि वो भी आए और अपना अपनी समस्या सॉल्व करके जाए यहाँ से। ये तो ये कह रहे हैं भाई, एक्चुअल में हमारे बेटे की शादी दिल्ली की हुई है, उनका जो मेरा जो दामाद है उनका बुआ का बेटा जन्म से ही यानी कि उसको ना बोल रहा है ना सुन रहा है, और पर पढ़ाई में बहुत होशियार है। कल भी मेरी उनके फ़ोन पे बात हुई जब मैं बस में बैठने लगा सर, मैंने कहा हम तो जा रहे हैं, अब आप देख लो। वो कहते सर जैसे आप जाओ, आपको जैसे पता चले मेरे को तुरंत बताना, मैं दिल्ली से अहमदाबाद आ जाऊँगा। और उन्होंने भी नाना करते मेरे को लगता है 10-15 लाख रुपये लगा दिए होंगे शुरू से लेकर अब तक। और दो मशीनें लगी हुई लड़के के दोनों कानों में, और पढ़ाई में होशियार है, फर्स्ट आता है। और इनके 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 10-12 लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही ये ओके हो तो हम पीछे पीछे भागे चले जाएंगे। मेरे को तो दिल से जो अगर मैं बताऊं आपको, दिल से सलाम करने का दिल करता है।